हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल जनवाणी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आपका चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। थंबनेल में टाइटल में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, ये जो क्लास होने वाली है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर की। तो उसमें सबसे पहले देखिए बच्चे, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देनी चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है मोस्टली सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रिपेयर नहीं करेंगे। जो आपकी क्लासेस होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो इसलिए होती है ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न पे आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछने के चांसेस ज्यादा है, और किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना चुकी हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं की मैं अभी आपको प्रिपरेशन कराऊंगी, और बात रही ज्यादा क्वेश्चन की तो उनके लिए मुझे आपको अपने यहाँ के जो भी कोई भी शॉप पे जाना, शॉपिंग पर से कह देना कि हमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर की इस वाली बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चाहिए, तो वो आपको प्रॉपर बुक दे देंगे जिसमें कंप्लीट बुक के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी एग्जिस्ट फॉर ऑल ई इज ग्रेटर देन ए इफ। फर्स्ट है फंक्शन ऑफ टी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सेकंड है फंक्शन ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, थर्ड है फंक्शन ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ क्लास ए, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें नन ऑफ दीज। तो इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लिखाया हुआ है कि अगर फंक्शन ऑफ टी कैसा है, एक फंक्शन है क्लास ए का, तो उस कंडीशन में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन ऑफ टी का वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू वन इज, यानी कि फंक्शन ऑफ टी आपको वन गिवन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सभी फॉर्मूले कराए हुए हैं, तो आप लोगों को याद होगा इसका कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वन अपॉन पी वेयर पी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पी जीरो हो गया तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो से आप किसी भी डिजिट को डिवाइड करोगे तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इफ लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड जी ऑफ टी इज इक्वल टू, दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, फर्स्ट कंडीशन है अगर टी की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन ए है, और सेकंड कंडीशन है अगर टी की वैल्यू लेस देन ए है, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, आपका जीरो होगा। देन उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, जी ऑफ टी का। तो ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रखा है इसमें भी, तो इसमें आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, आपका बी, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इन टू दी पावर माइनस ए पी इंटू फंक्शन ऑफ पी के इक्वल होगा, ठीक है। ये जब आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था तो उसमें शायद फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद में मैंने आपको थ्योरम लिखाई थी, तो उसका स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने आपसे बोल रखा है कि थ्योरम्स के स्टेटमेंट और ऑर्डरिंग वो सभी आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड एफ डैश टी इज ऑफ क्लास ए देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज, यानी कि फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ पी के इक्वल है, और एफ डैश टी किसका है, क्लास ए का है, तो उस कंडीशन में एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, ये भी थ्योरम का स्टेटमेंट है, किसके इक्वल होगा, पी इंटू फंक्शन ऑफ पी माइनस फंक्शन ऑफ जीरो के इक्वल होगा। ये भी आपको मैंने थ्योरम लिखाई हुई है एज अ फॉर्मूला, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पर, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी इज, कोस हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो आप सभी को फॉर्मूला याद है, कितना होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर हाइपरबोलिक ना होता तो टर्म क्या कहती, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स क्या है कि साइन में भी और कॉस में भी दोनों में डिनोमिनेटर में क्या होता है, प्लस साइन, बट अगर हाइपरबोलिक की बात आ जाए तो सिर्फ चेंज क्या होता है, वो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो टर्म हो जाएगी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ लाप्लास
देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इनटू फंक्शन ऑफ t। बच्चा देखो इसमें भी कुछ कराने वाला सॉल्यूशन का नहीं है, ये भी क्या है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर फंक्शन ऑफ t में क्या हो रही है, t की मल्टीप्लाई हो रही है, तो फॉर्मूला लिखाया हुआ है मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बाय t और नीचे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखाया हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर बात करें कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के एफ डैश टी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो फंक्शन ऑफ पी आएगा उसको वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे और साथ में क्या लोगे, माइनस साइन लोगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी इज, साइन टी बाय टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें क्या हो रहा है, टी से डिवाइड हो रहा है और डिविजन बाय टी, यानी कि अगर फंक्शन ऑफ टी में टी से डिवाइड हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अलग थ्योरम बताई हुई है, देन आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा था इसमें, tan इनवर्स 1 अपॉन पी आ रहा था। कितना आ रहा था, tan इनवर्स 1 अपॉन पी। प्रॉपर क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, सभी क्लासेस आपने ले रखी है, बात सिर्फ ऑब्जेक्टिव की थी कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आएंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी, देन लाप्लास ऑफ फंक्शन ए टी, यानी कि अगर फंक्शन ऑफ टी में क्या हो रही हो, ए की मल्टीप्लाई भी हो रही हो, तो उस कंडीशन में उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो, फंक्शन ऑफ पी में पी के प्लेस में क्या पुट कर दो, पी अपॉन ए पुट कर दो। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में क्या है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन पी। अभी देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, साइन टी अपॉन टी का आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा था, तो वो किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन पी के इक्वल होता है। बट आपने इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि अगर साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेन इनवर्स 1 अपॉन पी के इक्वल है, तो उस कंडीशन में साइन 3t / t का निकालिए। तो देखिए 1 था तो 1 अपॉन पी आ गया था, 3 है तो टर्म क्या जाएगी, 3 अपॉन पी, इट मींस टेन इनवर्स 3 अपॉन पी इज अवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, the value of t into sin at is, t into sin at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन बाय t वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी कि माइनस साइन एफ डैश पी फंक्शन ऑफ पी का वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसमें आंसर बता दूंगी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, 2ap डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी sin t / t * dt इज, लिमिट दे दी 0 टू इंफिनिटी और फंक्शन क्या गिवन है, sin t / t, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है इन लिमिट 0 टू इंफिनिटी। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसको क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व कर लोगे वैल्यू आ जाएगी इसमें आपकी पाई बाय 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये लास्ट से जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आईडी के तौर पे आपको दे दी कि आपसे बहुत ही जो इजी से क्वेश्चंस रहेंगे उनका क्या पूछ लेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करा लेंगे, या फिर सेकंड थिंग इज दैट कि आपसे जो फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको लिखवाए हैं वो पूछ लेंगे, जो थ्योरम्स के स्टेटमेंट है वो आपसे पूछ लेंगे। इससे बाहर इस चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं आएगा, जिनके भी ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं बच्चा ध्यान रखिएगा कि ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर सेकंड चैप्टर कर लेते हैं, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से भी क्वेश्चंस आपके पुट अप किए जाते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, द वैल्यू ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 / p टू द पावर 4 इज, यानी कि फंक्शन आपको क्या दे दिया, 1 / p टू द पावर 4, इसका क्या बताओ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताओ। अब एक बात बताइए, फॉर्मूले आप सभी ने पढ़ रखे हैं, तो 1 / p तो कुछ नहीं होता, 1 / p टू द पावर n + 1 का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 1 / p टू द पावर n + 1 वेयर n इज ग्रेटर देन 1, तो अगर n की वैल्यू आपकी सॉरी ग्रेटर देन 0 तो ये 0 से बड़ी है और n क्या है, एक आपका इंटीजर है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या कहता है, t टू द पावर n / फैक्टोरियल n, t
रियल एन। तो टी की पावर एन तो कितना जाएगा टी क्यूब और अपॉन में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल एन यानी कि 3 × 6। तो टी क्यूब बाय 6 इज अवर करेक्ट आंसर और फैक्टोरियल के फॉर्म में दे रखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात कैसे किया यहाँ पे हमने इसको लिख दिया किस फॉर्म में 1/p^n+1 के फॉर्म में। और इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे वो किसके इक्वल होता है p^n/n वेयर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3 है तो n के प्लेस में 3 पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में क्या है द वैल्यू ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√p इज। तो सेकंड फंक्शन आपको क्या दे दिया कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है आपको 1/√p। रूट को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो p की पावर 1/2 के फॉर्म में। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या टर्म लिखी हुई होती p^n+1 होता और n कैसे होता पॉजिटिव इंटीजर होता तो उस कंडीशन में क्या फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे हमने अभी हमने क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखो इसको अगर हमने n+1 की फॉर्म में बनाना है जैसे प्लस क्या कर दो इसमें 1 कर दो और -1 कर दो। अभी -1 तो इसके साथ ले लो 1/2 में से माइनस करोगे 1 कितना बचेगा -1/2+1 तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा n+1 की फॉर्म में हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या है -1/2 -1/2 कैसे आ रही है वैल्यू आपकी ग्रेटर देन -1 तो उस कंडीशन में आप सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे यानी कि t^n/γn+1 वाला। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/2 तो अप्लाई करो t^n-1/2/γ-1/2+1 इसको सॉल्व कर लोगे तो ये जो पावर है ये अपॉन में आ जाएगी यानी कि रूट में थी। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना बचेगा अंडर रूट में 1/2 बचा अच्छा गामा है सॉरी यहाँ पे बचेगा आपका गामा 1/2। अब आप सभी को पता है गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई बीटा एंड गामा फंक्शंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/√π/t। तो इट मींस इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है द वैल्यू ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p^5/2। इस बार फंक्शन क्या दे दिया p^5 कितनी है 5/2 इसको n+1 की फॉर्म में लिखना तो इसमें से माइनस करोगे 1 कितना आएगा p^3/2+1 ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर n की वैल्यू कितनी है 3/2 है तो उस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे पुट करोगे आप 3/2 यहाँ पे भी पुट करोगे 3/2 तो इसको सॉल्व करना एक बार देखो टर्म कितनी आ जाएगी इसको लिख सकते हैं आप क्या t/√t क्योंकि टी की पावर पर और टी की पावर 1/2 ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा और टी की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं 1/√t लिख सकते हैं। यहाँ से अगर इसको आप देखोगे ये किसका फॉर्मूला बनता है n+1 का तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं n×γn-1 की फॉर्म में तो माइनस माइनस करोगे 1 कितना आएगा 3/2 इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2 आएगा सॉरी टर्म क्या आ जाएगी t√t 3/2 आपका ऊपर चला जाएगा इसको हम लिख सकते हैं क्या इसमें से माइनस करोगे 1 को तो फिर से 1/2 आपका कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगी टर्म 1/2 बचेगी और गामा 1/2 किसके इक्वल होता है रूट पाई के इक्वल होता है 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में 1/3 अच्छा ये 2 आपका बच्चा 4 में तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2×2=4 4/3 t√t/π। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है इनमें से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p − a इज। अब एक बात बताइए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं है ये आपके क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट भी तो आपने पूछा हुआ है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर फंक्शन ऑफ p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल है फंक्शन ऑफ t के इक्वल है तो उस कंडीशन में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका फंक्शन ऑफ p − a का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा e^8t × फंक्शन ऑफ t। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ a × p इज। ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने पूछ लिया है
डी क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज। अब याद होगा आपको p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ रहा है, ऊपर क्या टर्म आ रही है 1। अगर ऊपर p होता तो cos का फॉर्मूला बनता 1 है तो sin का बनेगा, और sin वाले में जो ऊपर a होता है वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कहां चला जाता है, sin वाले साइड चला जाता है। तो टर्म क्या आ जाएगी 1 अपॉन a * sin a t। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p / 2p स्क्वायर - 8 इज। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, फंक्शन है p / 2p स्क्वायर - 8। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ अभी। अगर आप यहां से देखो जो आपका क्वेश्चन बन रहा है किस फॉर्म का बन रहा है, p / 2p स्क्वायर माइनस 8। ठीक है जी, इसमें से क्या कर लो अगर आप इसको देखो, हमें इसको किस फॉर्म का बनाना है, ऊपर p आ रहा है तो सीधी सी बात है किसका बनेगा, cos में बनेगा। किस में बनेगा, ये आपका cos में बनने वाला है फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो 1 अपॉन यहाँ से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 क्या ले लो आप बाहर ले लो, 2 बाहर ले लोगे तो टर्म क्या बनेगी अंदर, p स्क्वायर माइनस 4। अगर इस 4 को देखो आप तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ऊपर से यहाँ से हो गया 1 अपॉन 2। क्या निकाल लो आप इसका, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो 1 अपॉन 2 का एज इट इज, अगर मैं पूछूं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p / p स्क्वायर - 2 स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे p आ रहा है तो cos का फॉर्मूला बनेगा, और डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ रहा है तो किसका बनेगा, हाइपरबोलिक का, यानी कि और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा 1/2 का, आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक 2t का, है ना। तो इसमें ऑप्शन मैच कर लीजिए, इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जितने भी ये क्वेश्चन है मोस्टली आपके फॉर्मूलों से ही पूछे गए हैं ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। If inverse Laplace transform of function of t is equals to function of t and function of 0 is equals to the 0, then inverse Laplace transform of p into function of p. अभी ये क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था कि p से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है फंक्शन ऑफ p में, और इस फॉर्मूले में आपसे क्या कहते हैं कि फंक्शन ऑफ p में क्या हो रही है, p से मल्टीप्लाई हो रही है। तो फॉर्मूला आप सभी को याद है, उसमें क्या था हमारा माइनस के एफ डैश t था, इसमें क्या जाएगा आपका माइनस के एफ डैश टी आ जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए स्क्रीन पर क्या है। द वैल्यू ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन पी माइनस 1 का होल क्यूब इज। इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये प्रॉपर क्वेश्चन आपको कराया हुआ है अच्छे से। इसमें कौन से वाले टर्म अप्लाई होगी आपकी, फर्स्ट वाले जिसमें पी माइनस ए आ रहा होगा, फंक्शन ऑफ पी के प्लेस पे क्या आ रहा हो, फंक्शन ऑफ पी माइनस ए आ रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टू दी पावर टी बाय 2। तो इसको कर लीजिएगा, बाकी जितने भी आपके दोनों चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वाले बुक में थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मोस्टली यहाँ पे चलता है वो आपका सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसा नहीं है बाहर से आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके सब्जेक्टिव के अंदर से ही आते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि जो आपको समझ में नहीं आया होगा, सभी क्वेश्चंस मेरा आंसर करने से पहले ही आपने आंसर्स कर दिए होंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इससे आगे के जो चैप्टर्स है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।